हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हस्बैंड जी अभी काम से बाहर जा रहे हैं और वो सिम्बा के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे हैं और नाश्ता उनको दे दी हूँ। बहुत तेज उन्हें भूख लगी थी, बोल रहे थे नाश्ता दे दो, तो मूंग था, मैं मूंग भेजी थी, तो मूंग में मैं लहसुन प्याज मिर्चा काट के उनको दे दी। अभी उनका नाश्ता हो चुका है। वीर सुबह स्कूल चला गया था और अभी तो यही है। फिर अब जा रही हूँ जल्दी जल्दी कुछ खाने का प्रिपरेशन करने। फिर इन लोग को डॉक्टर के पास आज भी जाना है, देखते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर चेक करेगा तो क्या बोलता है सिम्बा को। वैसे बोला तो 2 दिन के दवा दूंगा, तो 2 दिन के दवा में उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं। अभी वापस बुलाया है तो फिर क्या बोलता है डॉक्टर। के साथ में जाने के लिए चाबी दिखा रहा है, यहाँ बैठा हुआ है। क्या हो बाबू? पापा को बाहर जाना बाबू को। तो हे गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास, सिम्बा के डॉक्टर के पास से, क्योंकि सिम्बा को एक इंजेक्शन लगा है। और आज एक इंजेक्शन लगा है और यस्टरडे को एक इंजेक्शन लगा, मतलब 2 इंजेक्शन, क्योंकि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर ने बोला कि बहुत बड़ा अच्छा खासा इन्फेक्शन हो गया, तो उसे कम करने के लिए 2 एंटीबायोटिक और एक क्रीम और एक स्प्रे दिया उसने, डॉक्टर ने खुद ने दिया वो सब स्प्रे, और लगाना पड़ रहा है अभी उसको। अब डेली दिन में एक बार लगाना पड़ता है, 1-2 बार। कितने बार अपा? अच्छा, 2 बार लगाना पड़ता है दिन में। तो यही सब अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी मम्मी वेट कर रही है अभी सिम्बा को खाना खिलाने के लिए। अभी वहाँ पे सिम्बा खड़ा है, मम्मी का इंतजार कर रहा है। तो अभी दिखाते हैं आपको सिम्बा को मम्मी कैसे खाना खिला रही है। तो सिम्बा वेट कर रहा है मम्मी का। सिम्बा ये लो, आ जाओ, मम्मी का वेट क्या कर रहे हैं। देखो गाइस, सिम्बा मम्मी का वेट कर रहा है। अभी मम्मी वहाँ से दूध रोटी, सिम्बा का फेवरेट खाना लेके आ रही है, इसलिए देखिए मम्मी सिम्बा को दूध रोटी खिला रही है। और सिम्बा कितने प्यार से ऐसा खड़े होकर इंतजार। मम्मी यहाँ पे बैठी है, वीर यहाँ पे काम कर रहा है और अम्मा भी यहाँ पे है। कुछ अम्मा भाजी बना रही लगता है आज। और मम्मी क्या चालू है? बस बेटा अभी वो क्या बोलते हैं, बेसन का वो नहीं होता है, बेसन का खड़ारा बोलते हैं ना। अच्छा, तो वही बनने की तैयारी कर रही हूं। अभी एक कपड़ा उतारा गया, इसको जरी खड़ी करके रख देती हूं। अच्छा, सूखा नहीं है फिर भी थोड़ा नमी है पूरे कपड़े में। अच्छा, तो वही देख, घर में भी रख सूखा है इसलिए तभी भी नमी है। हां, अभी पूरा बारिश में अच्छे से कपड़ा कहां सूख पा रहा है। ठीक है, तो बारिश में कपड़े अच्छे नहीं थे। यहां पे भी एक को थोड़ा 2 झापड़ मार के बिठाया गया। झापड़ कब मारी? पढ़ने के लिए। हां, मार के बिठाया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई आज भैया मेरे चक्कर दे देंगे बस। हां, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है इनका, अगस्त में पेपर है और अगस्त आ गया है, पेपर भी नजदीक है, तो इसलिए पढ़ाई पे जबरदस्ती। अगस्त में यूनिट टेस्ट है, दिवाली की टाइम सेमेस्टर है, फिर ये सब आगे आगे टाइम प्रोसेस है। खड़ा बन रहा है, अच्छा भाजी होता है। हाँ, बेसन के पकौड़े टाइप पे रहते हैं, बर्फी के टाइप। बेसन के तो रेसिपी शेयर कर देंगे हम, वहाँ धनिया की पाती है। अम्मा ने ये सब बन के रेडी रखा है, इस ये सबको पीसेंगी, फिर एक थोड़ा कुछ क्या बनाओगे अम्मा आप? ये सब का पीस के मसाला ग्रेवी बोलना चाहती है अम्मा अपने लैंग्वेज में। अभी अपना काम कर चुका हूँ और मेरा 3 तारीख का बहुत थोड़ा कुछ काम है, 3 तारीख को कॉलेज का। देखे बस भगवान से प्रेयर कि वो काम पूरा हो जाए। यही बात मैंने मम्मी को बताया, मम्मी भी कुछ कर चुका है वीर ने, अभी बैठा है इसलिए पढ़ाई करने। और पापा ने वो एकदम गारंटी के साथ बोला कि 1 चैप्टर मुझे आज देना है इसको, डेली 1 चैप्टर कम्प्लीट करके इसको मुझे देने का, क्योंकि यूनिट टेस्ट आ रहा है, चालू कर दिया। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ कि मम्मी क्या कर रही है आप सबको, तो आप भी देखिए मम्मी अभी क्या कर रही है। जैसे आपको पता है कि मैं खाने में आज बन रही खड़ा चाहूँ, तो अभी से समीर का नाटक चालू हो गया है। बोल रहा है मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बोली तू फ्राई रहेगा, चावल रहेगा, सैजवन चटनी रहेगा, उसके साथ में खा लेना। लेकिन अभी देखते हैं, बच्चे लोग का तो हर दिन कुछ न कुछ नाटक लगा ही रहता है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ अलग बना के हमें देना चाहिए। किसी का फोन आ रहा है। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे क्या प्रोसीजर चालू है। क्या था कि वो बेसन का जो घोल बनाई थी, वो घोल से एक खड़ा बन चुका हुआ है, तो इसी ये इसको अच्छे से होकर के बना चुके हैं। अब इसको तेल में छान रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको तेल में छान रहे हैं। छानने के बाद ये ऐसा बर्फी जैसा हो जाता है, जैसे काजू कतली का हम लोग ने शेप दिया था उस जैसा हो जाता है। तो अभी इसी को और इसका हम लोग ग्रेवी लगाएंगे। तो अभी तक तो यही प्रोसीजर है और ये चालू हो जाएगा तो फिर उसका ग्रेवी लगा के फिर वही गर्मा गर्म चावल के साथ देंगे, चावल के साथ दे देंगे। तो यही प्रोसीजर चालू है, ये हो जाएगा तो जल्दी से पहले कुकर में चावल दूंगी, चावल दे बनने के बाद फिर इन लोग को, वीर को मैंने अभी पढ़ाई की
पढ़ाई करवाई और उसके बाद एक लेसन ले ली थी। जैसे आपको पता है समीर रोज लेता है एक लेसन, तो आज भी उसका एक लेसन ले लिया गया है। अभी बाहर गया है, दोस्त के साथ थोड़ा बातचीत कर रहा है, ऐसा कल क्या देना है, ट्यूशन में क्या नहीं देना है। तो अभी आएगा तो उसको भी थोड़ा हाथ देख लेती हूँ क्या बच्चे लोग, देखूंगी थोड़ा ट्राई करेगा, एक खाएगा तो देखो उसको कैसा अच्छा लगता है कि नहीं, उसका रिएक्शन लेंगे। और समीर अभी उस रूम में है सिम्बा के साथ में, क्योंकि सिम्बा बहुत परेशान करता है यहाँ पे किचन में, इसलिए उसको उस रूम में रख दिए हैं सिम्बा को। अभी तक का तो यही अपडेट है। तो आपने खाना दे दिया? हाँ खाना दे दी हूँ, तो देखो खाना फिनिश हो गया। वो फिर भी घूम रहा है ऐसे। तो पानी दे रहा, मैंने आपको बोला पानी दे दीजिए उसको। ठीक है पानी देता हूँ इसके बाद। चलिए आप लोगों का खाना भी लगा दूँ, चलो खाना खा लो। मैंने क्या बोला था आपको बेटा, अभी हर दिन ना अलग अलग खाना चाहिए, एक ही मेरे को एक ही चीज ही पसंद है। नहीं सैजन आज ये पर मैं तो कभी खाता ही नहीं, तो मेरे लिए कैसे पास हो गया? हाँ नहीं तो आप ये खा के देखो ना, बहुत अच्छा है। हाँ ये खा के देखो, अच्छा टेस्टी बना है। खाना नहीं है एक बार बेटा ट्राई करो एक बार। ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है तो अभी चलो खाना ना खा लो। ये देखो गाइस, ये मेरी प्लेट है, ये वीर की प्लेट है। वीर का नहीं, ये मेरा प्लेट है, ये तुम्हारा प्लेट है। वीर पहले से ही खा चुका है। दगाबाजी। हाँ दगाबाजी। तो चलो जल्दी खा लो। ठीक है सिम्बा को पानी दे देती हूँ, प्यास लगाएगा उसको। वो भी बन गया अब। चलो हस्बैंड आए हैं तो उनको भी पहले मम्मी को खाना दे दियो, मम्मी अपना खा लेंगी, फिर बाद में हम लोग बैठेंगे सब खाएंगे। अभी वीर तो बोल रहा है नहीं खाऊंगा वो, क्योंकि वो जो फ्राई किया है ना खड़ा, तो वो खा लिया तो उसका पेट भर गया फ्राई, उसको अच्छा लगा। तभी मुझे नहीं लगता चावल और ये ग्रेवी खाएगा, फिर भी देखते हैं। और हस्बैंड और बच्चों को तो दे देती हूँ। देखो अम्मा खाना खा रही है, कि अम्मा खाना खा रही है खाना। हाँ वही खड़ा रहा, देखिए खाना मेरा प्यारा प्यारा टेस्टी जैसे खड़ा बन गया है। और ये तो आपको पता ही, जैसे गाइस मैंने अभी सिम्बा को सुला चुका है और यहाँ पे बस इसको सुलाना बाकी है। ये अभी कैमरा देख के भागा है वीर, तो इसको सुलाने के बाद मैं अपना कुछ काम करूंगा। फिर आज कंप्यूटर वाले अंकल वापस आए तो उन्होंने बोला कि 2 दिन और लगेगा इसको बनाने के लिए, एक बार रिपेयर होके देख ले तब है, नहीं तो नया पार्ट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। देखते हैं रिपेयर होके दिखाते हैं एक बार। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।